गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल मावड़े है। आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन बेस्ड इन पुणे। मेरे फर्म का नाम और इस चैनल का नाम है प्रॉपर्टी डोंट रियल्टी। और आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रिसेंटली ही मैंने क्लाइंट विजिट के लिए गया था और क्लाइंट ने मुझे MyOne टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया और वो कहने लगा कि ये MyOne टेक्नोलॉजी आजकल डेवलपर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, कन्वेंशनल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो आज का टॉपिक हमारा MyOne वर्सेस कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। चलिए जानते हैं MyOne टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसका डिफरेंस क्या है MyOne और कन्वेंशनल में। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिट ओवरव्यू के साथ। सो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू MyOne। MyOne होता क्या है, ये इंडिया में कब आया, कैसे आया, कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया, MyOne क्या है और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी क्या है, दोनों के बीच में का डिटेल अपन डिस्कशन करेंगे। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है दोनों टेक्नोलॉजी के, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद उस पर इस पर मेरा ओपिनियन क्या है इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं MyOne इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सो MyOne 1990 में एक मलेशियन कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था इन मलेशिया। उसके बाद ये वाइड स्प्रेड रिकग्निशन मिला उसको 1999 से। ये अर्ली 2000 और 2000 इसमें इसका ज़्यादा यूज़ हुआ। इंडिया में 2014 टू 15 के बीच में ये मुंबई में लॉन्च हुआ। मुंबई में डेवलपर्स ने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया। अभी बहुत से डेवलपर इसे मैक्सिमम अफोर्डेबल हाउसिंग और सब बड़े बड़े टाउनशिप्स में इसका यूज़ हो रहा है। और ये कम्प्लीटली कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को इन फ्यूचर रिप्लेस कर देगा इन टर्म्स ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स। अगर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए इसमें ये पूरी तरह से कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इट इज़ मोर फास्टर, कॉस्ट एफिशियंट एंड इट टेक्स वेरी लेस टाइम। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो है, जो अभी एक्चुअली यूज होती है, जो बेसिक ट्रेडिशनल हमारी टेक्नोलॉजी है, उसमें बीम्स एंड कॉलम्स एज अ स्ट्रक्चर, एज अ कंपोनेंट इन स्ट्रक्चर यूज होते हैं। और जो ब्रिक वर्क है या फिर वॉल्स है, वॉल्स सिर्फ एज अ पार्टीशन वॉल्स यूज होती है, ठीक है। उस पर कोई सपोर्ट नहीं रहता, मैक्सिमम सपोर्ट बीम्स एंड कॉलम्स पे रहता है। ये वॉल स्टेयर के सभी इसके कंपोनेंट्स मैक्सिमम ब्रिक वर्क से बने होते हैं। इसका जितना भी फ्रेमवर्क है वो प्लाईवुड और वुड पैनल से बना रहता है, जो साचा हम कहते हैं, जिसमें सब कॉन्क्रीटिंग होता है और उसके बाद वो साचे का क्यूरिंग होता है। देयर इज लॉट ऑफ टर्म्स इन इट। उसके बाद हम MyOne की बात करते हैं। MyOne में एल्यूमिनियम के कंपोनेंट्स यूज होते हैं, पूरा का पूरे पैनल्स एल्यूमिनियम के होते हैं। इसके लिए आपको प्री ऑर्डर देना पड़ता है, उसी हिसाब से आपके पूरे के पूरे एल्यूमिनियम पैनल्स आते हैं, उनको RCC के वॉल्स के हिसाब से सेट किया जाता है। एंड देन विद इन सेवन डेज के लाइफ साइकिल में आपका RCC का स्लैब वॉल बन के तैयार हो जाती है विद इन सेवन डेज। इट टेक्स 3 to 4 weeks फॉर कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये ब्रिकवर्क की जगह कॉन्क्रीट यूज करता है। इसमें शेयर इसका जो जितना भी है, इसमें स्मॉल थिकनेस शेयर RCC वॉल यूज होती है। इसमें कोई कॉलम्स यूज नहीं होते हैं। इसमें इसकी जगह है पूरा का पूरा आपकी जो शेयर वॉल्स है उसमें कॉन्क्रीट अपना RCC किया जाता है और उसमें ही कॉन्क्रीटिंग करके MyOne टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हम अभी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में लो कॉस्ट में काम हो जाता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो लो कॉस्ट में भी काम हो सकता है। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉसिबल है बिकॉज इसका मैक्सिमम सपोर्ट बीम्स एंड कॉलम्स पे होता है, इसलिए आप वॉल के स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन काफ़ी आसान होता है और बहुत ही इजीली वर्केबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत है। ये लो टेम्परेचर होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हाई कॉस्ट है बिग प्रोजेक्ट के लिए। इट रिक्वायर्स मोर टाइम और मोर मैन पावर, ठीक है। इसमें कॉलम्स बाहर आने के कारण, कॉलम्स के डिजाइन के कारण, इसके बड़े कॉलम्स के साइजेस के कारण बहुत सा डेड स्पेस बच जाता है जो हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये मोर वेस्टेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई वुडन पोल है, वुडन पैनल से जो खराब हो जाता है उसका कुछ भी हम वापस रीयूज नहीं कर सकते। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ये मोर वेस्टेज क्रिएट करता है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। अभी हम बात करेंगे MyOne टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर MyOne की बात करूँ तो फास्टर कंस्ट्रक्शन हो सकता है विथ लेस लेबर वर्क। आपको बहुत कम लेबर में फास्टर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा सिर्फ 7 डेज की लाइफ 7 डेज का इसका क्यूरिंग है।
ये प्रीमियम फिनिश वर्क देता है। अगर इसका इसका फिनिशिंग ऐसे है, इसमें कोई ब्रिक वर्क यूज नहीं किया जाता, सीधा कॉन्क्रीटिंग यूज किया जाता है, इसलिए आपको इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपको बड़ा कार्पेट एरिया देता है, इसमें कोई डेड स्पेस नहीं आता है, बिकॉज कहीं से भी यहाँ पे कॉलम बाहर निकल के नहीं आता है, पूरा का पूरा आरसीसी वॉल्स में ही ये हो जाता है, इसके कारण इसमें बड़ा कार्पेट एरिया आपको मिलता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छी आती है, बिकॉज ये पूरी तरह से कॉन्क्रीट यूज करता है और इसमें कोई लीकेज और सिपेज नहीं आता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉसिबल नहीं, बिकॉज आरसीसी वॉल्स पे ही इसका पूरा का पूरा ये आता है, तो इसमें आप एक नॉर्मल खील भी नहीं ठोक सकते हैं। हाई टेम्परेचर है ड्यू टू शेयर वॉल्स, ठीक है। इट इज कॉस्टली फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आपको प्री ऑर्डर देना पड़ता है और ये इट इज नॉट सजेस्टेड फॉर दी स्मॉल प्रोजेक्ट्स। और इसको स्किल्ड वर्कफोर्स लगती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया में काफ़ी कम है। अभी अभी कुछ कुछ स्किल्ड वर्कफोर्स अभी डेवलप हो रही है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। मेरा अगर ओपिनियन, इफ आई टॉक अबाउट माई ओपिनियन, मुझे लगता है कि फ्रॉम कमिंग नेक्स्ट 3 to 5 years दिस टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस एवरीथिंग। नेक्स्ट 3 to 5 years में ये डेवलपर यही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और माइवन से ही इनका सब कंस्ट्रक्शन चलेगा, बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े टाउनशिप का। ये टाइमलाइन फास्टर कर देंगी, अगर कोई फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट को 5 साल लग रहे तो ये माइट भी 3.5 साल में या फिर 3 साल में ही कंप्लीट कर दें। ये बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े टाउनशिप जितने भी डेवलपर लेके आएंगे या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग है, इसके लिए अभी माइवन टेक्नोलॉजी ही यूज़ करेंगे। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। इसके बाद मेरा जो भी नए न्यू होम ओनर से या फिर होम बायर्स हैं, मेरा उनके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप माइवन टेक्नोलॉजी के लिए जाएं, भले ही आपको रीसेल में कोई कन्वेंशनल मिल रहा होगा। माइवन इसलिए बिकॉज इन फ्यूचर सभी डेवलपर्स यही टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं और दिस इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके लिए यही टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं अभी देख पा रहा हूँ कि बहुत से जो एग्जिस्टिंग होम ओनर्स है जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के घर में रह रहे हैं, दे आर सेलिंग देयर होम्स। मैंने काफ़ी अभी मैक्सिमम मेरे पास जो सेलिंग के लिए घर आ रहे हैं वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं और मैक्सिमम लोग इस माइवन के घरों में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। सो पहले से ही अगर आप माइवन का घर ले लेते हो तो इन फ्यूचर अगर आपको कभी सेल करना हो तो आपको उसका प्राइसिंग भी अच्छा मिलेगा एंड इट विल सेल फास्टर। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो। And definitely I'll be coming up with the new topics every week. Thank you so much guys for watching. Thank you.